प्रयागराज में सीआरपीएफ 95 बटालियन करेली प्रयागराज थाना करेली एवं प्रिमरोज शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में सहारा पब्लिक स्कूल के बच्चों के सहयोग से हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन रैली के मध्य से करेली 60 फीट रोड से निकाला गया और आम जनमानस को आजादी का अमृत महोत्सव मानने एवं घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए जागरूक किया गया। रैली 95 बटालियन करेली से होते हुए मस्तान मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा से होते हुए रिद्धि सिद्धि चौराहे से थाना करेली पर समाप्त हुई। सीआरपीएफ 95 बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार के निर्देशानुसार असिस्टेंट कमांडेंट एसएम दीक्षित के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन किया गया, जिसमें थाना करेली के इंस्पेक्टर रमाश्री यादव, प्रिमरोज शिक्षा संस्थान के प्रबंधक फरहान आलम मौजूद रहे। आज दिनांक 13-23 को हम लोगों ने हमारे 95 बटालियन के कमांडेंट श्री अनिल कुमार वृक्ष के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने घर घर तिरंगा प्रोग्राम यहां से संचालन किया, जिसमें हमारे प्रिमरोज के फरहान जी, एसएचओ करेली, सहारा पब्लिक स्कूल के कई लोगों ने इसमें शामिल हुए। और इससे घर घर तिरंगा का प्रोग्राम आप सभी जानते हैं कि इस बार जो 15 अगस्त हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से इसको एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए आह्वान किया गया है। इससे जो है उपदेश यही है कि लोगों को इस तिरंगे के प्रति देशभक्ति की भावना को और बढ़ाया जा सके और सभी लोगों को ये बताया जा सके इस मुहिम के तहत कि अपने घरों में तिरंगा लगाएं और जो भी सोशल साइट में आप लोग हैं उसमें तिरंगे के साथ फ़ोटो लगाएं। और हम ये करेली वालों से, देशवासियों से यही आह्वान करेंगे कि इस महोत्सव को आगे से आगे बढ़ाएं इसको, और देशवासियों के प्रति देशभक्ति की, इस तिरंगे के प्रति जो लगाव है, जो भावना है, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू सर। मेरा नाम शिव मोहन दीक्षित, असिस्टेंट कमांडेंट 95 बटालियन सीआरपीएफ करेली के। तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्य रूप से एसएम जैदी, पूर्व सदस्य सीडब्ल्यूसी थाना करेली की समस्त टीम, सहारा पब्लिक स्कूल के मैनेजर आकिब, अमित कुमार, प्रमोद परिहार इंस्पेक्टर सीआरपीएफ, रंजय सिंह, शेख इमरान खान, अर्शी खान, हुसैन अंसारी, अंजलि, विद्या, शिवम दुआ, हाशिम फरीदी, शानू चौहान, सहायक उपनिरीक्षक सीआरपीएफ हरगेंद्र कुमार, प्रतीक तिवारी, थाना करेली के एसआई श्री गिरीश राय, महेंद्र सिंह, वीरेंद्र यादव एवं समस्त थाना करेली की टीम एवं सीआरपीएफ 95 बटालियन की समस्त टीम मौजूद रही। ये जानकारी प्रिमरोज शिक्षा संस्थान के मीडिया प्रभारी गुफरान खान ने दी।